हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्मायरा नरूला एंड फैमिली। तो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आप सभी तक आ जाए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम आए अपने नेटिव में पंजाब में, और पंजाब के कौन से शहर में हम हैं रॉयल सिटी ऑफ अबोहर में। और अभी रिसेंटली हम हैं स्मायरा के नानी हाउस में। जैसे कि आपको हमने बताया था कि स्मायरा की नानी ने नया घर बनाया है और यहाँ पे है हाउस वार्मिंग सेरेमनी जिसकी तैयारियाँ हमने शुरू कर दी हैं। आज से आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं वो मोमेंट, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कैसे शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे सब कुछ तैयारियाँ कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे होने वाला है, और जो भी होगा आपके साथ सब शेयर होगा। तो आप इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। अभी हम जा रहे हैं मार्केट में क्योंकि तैयारियां करनी है तो ऑब्वियसली मार्केट तो जाना पड़ेगा। तो अभी हम घर से निकलते हैं और मार्केट का माहौल दिखाते हैं आपको यहाँ की, और हम क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चैनल पर बने रहना। मायरा के पापा, हेलो, कहाँ जा रहे हो आप आज? मार्केट। क्या लेने? सामान घर का लेने। हमें क्या लेकर दोगे? आपको क्या लेके देना है? आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। स्मायरा, ये देखो स्मायरा। हेलो, आप भी जा रहे हो हमारे साथ? यस। आपको क्या लेना है? मैं कुछ स्पेशल लूंगी। क्या? क्यों बताए? तुम डीसी लगे हो, जो तुमको बताए हम रिपोर्ट लिखवाए तुमको। हाँ, रिपोर्ट लिखवाओ आप आज। ठीक है बाबू, जरा चलो जाओ, पहले आप रिपोर्ट लिखवा के आओ फिर मार्केट चलते हैं। रिपोर्ट लिखवाएंगे नानी को? क्या? मम्मी की कंप्लेंट तो नानी को ही कर सकते हैं ना। नानी कंप्लेंट नहीं लिखेगी। चलो, तो आप दोनों जा रहे हो? यस। मैं भी जा रही हूँ। यस। तो चलो बाइक पे जाएंगे ना? यस, बाइक। खुली हवा में। चलो बाइक बाहर निकालो। ये देखिए हमारी बाइक, स्मायरा के पापा हमें बाइक पे घुमाएंगे अबोहर की गलियों में। चलो चलो स्मायरा, देखो गेट ओपन कर रही है पीछे से। हम मार्केट में पहुंच चुके हैं शॉपिंग करने से पहले। फिर से स्मायरा को लगी भूख। स्मायरा, क्या खाने आए आप आज? छोले भटूरे, यहाँ के फेमस छोले भटूरे हमारे अबोहर शहर के। तो स्मायरा बोलती पहले मुझे छोले भटूरे खिलाओ फिर मैं आपको काम करने दूंगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि छोले भटूरे यहाँ के कैसे हैं। ये देखो भटूरे और ये छोले, इसको कौन खाएगा? मैं। और आप? मैं भी। आप भी खाओगे? और मैं? आप भी खा लो। तो आ जाओ, YouTube फैमिली भी आ जाए। हाँ, YouTube फैमिली आप भी आ जाओ, आप भी खा लो, उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग भी चलेंगे। मुझे लगा ये दो भटूरे हैं लेकिन खाए। ये ओपन कर रही थी। दिखने में दो ही लग रहे हैं, देखो। हाँ। छोले भटूरे खाने के बाद हम आ गए हैं मार्केट में क्योंकि स्मायरा को लगवानी है सबसे पहले मेहंदी, उसके बाद ये हमें कुछ और तैयारियां करने देगी। तो अभी हम जा रहे हैं मेहंदी वाली शॉप पे, आपको दिखाते हैं कि स्मायरा कैसी मेहंदी लगवाती है और यहाँ की मार्केट की झलक आपको दिखाते हैं। ये है हमारे शहर की मार्केट, फेमस बाज़ार, गली नंबर 12, और वो सामने मेहंदी वाला विष्णु मेहंदी आर्ट। हाँ जी मैडम, क्या आपको काम है? मेहंदी लगवानी है। मेहंदी लगवानी है? क्यों, शादी आपकी? नहीं। तो स्मायरा की नानी हाउस में फंक्शन है तो इसीलिए स्मायरा को मेहंदी लगवानी है। तो देखते हैं भैया कैसी मेहंदी लगाते हैं। भैया अच्छी वाली मेहंदी लगाना, कलर अच्छा आना चाहिए। ये रेडीमेड मेहंदी है या होममेड है? होममेड है। यहाँ पे पहले मेहंदी की क्लिप रेडी हो रही है, उसके बाद जाएगी स्मायरा के हाथों में। अभी देखो मेरे हाथ कैसे हैं। हाँ। और अभी 5 मिनट बाद देखना मेरे हाथ कैसे हो जाएंगे, और फिर 1 घंटे बाद देखना कैसे हो जाएंगे। ये मेहंदी वाले भैया हैं यहाँ के, इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको मेहंदी लगवानी है किसी ओकेजन पे तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है।
ये देखो स्मायरा के एक हैंड पे मेहंदी लग चुकी है। स्मायरा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। अभी फ्रंट हैंड पे लगी है, अभी बैक पे भी लगेगी। देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनाया भैया ने। स्मायरा के दोनों हैंड्स पे मेहंदी लग चुकी है। स्मायरा बैक करो। वाओ वेरी नाइस। गाइस कमेंट में बताना कैसी लगी आपको मेहंदी। तो ये मेहंदी लग चुकी है, अभी हम जा रहे हैं कहीं और शॉपिंग करने। अभी हम आए हैं हैंडलूम शॉप पे नानी के लिए गिफ्ट लेने, क्योंकि नया घर है तो गिफ्ट भी देना बनता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या पसंद आता है और हम क्या परचेज करते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। ये यहाँ की शॉप है। अब इस मायरा की मेहंदी खराब हो जाती और वाइट बेडशीट पे लग जाती। चलो इस मायरा कोने पे मेहंदी लगी है, मम्मा सेवा कर रही है। मायरा के पापा भी माजा पीते हुए और आपकी खुली पड़ी है। चलो आप पी लो, आज तो खाना भी मैं ही खिलाऊंगी ना तेरे को। मायरा की नानी के लिए जो हमने गिफ्ट लिया था वो आपको घर जाकर दिखाएंगे। अभी हम आए हैं डिस्पोजल्स लेने, क्योंकि कल सुखमनी साहिब का पाठ है घर पे और उसके बाद लंगर है, तो उसके लिए हमें डिस्पोजल्स चाहिए। तो शॉप पे हम अभी आए हैं, आपको दिखाते हैं कि हम क्या ले रहे हैं। हाँ गिलास, हमने ली है ये वाली प्लेट और ये स्पून, और अभी क्या चाहिए? कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास। यस, कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लासेस और चाय के लिए भी। चाय के लिए भी। तो हमने सब कुछ ले लिया है। स्मायरा के पापा के हैंड में देखिए कितना बड़ा कैरी बैग है। हमने क्या लिया है वो आपको घर जाकर दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर पे, तो फिर घर जाकर आपसे मिलते हैं। हम पहुंच चुके हैं घर पे। सबसे पहले हम उतारते हैं स्मायरा की मेहंदी जो बहुत ड्राई हो चुकी है, और फिर देखते हैं कि उसका कलर कैसा आया है। स्मायरा आ जाओ। अच्छा इसको न्यूज़पेपर दो, दिखाना थोड़ी सी, निकाल के देखते हैं कलर। निकल गई अपने आप ही, ये पहले की निकली हुई है। कलर तो ठीक आया है। चलो निकालो इसको ऐसे ऐसे करके। इतना टाइम तो भैया ने लगाने में नहीं लगाया जितना उतारने में मैं लगा दूंगी। मेहंदी ड्राई हो चुकी है ना अच्छे से। स्मायरा की मेहंदी उतर गई है, थोड़ा थोड़ा कलर आ गया है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम स्मायरा की नानी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। ये देखिए इतना बड़ा पैकेट, स्मायरा के पापा आपको ओपन करके दिखाते हैं। अभी ये है बेडशीट विद कुशंस। ओपन करो, बाहर निकालो बेडशीट, अच्छे से दिखाओ। अभी हो चुका है खाने का टाइम, 1:30 हो चुके हैं दोपहर के। अभी हम खाना बनाते हैं। वैसे तो मम्मी ने बना लिया, मैं दिखाती हूँ क्या बनाया है। ये देखो किचन में खाना बन रहा है। क्या बनाया है? आलू गरम गरम, और इधर क्या है? ब्रिंजल, ये आटा रोटी बनाने के लिए। यहाँ पे भी आटा, हम बहुत लोग हैं आज खाने वाले। अभी सब्जी बन रही है आलू की, ब्रिंजल की बन चुकी है। स्मायरा के पापा को भूख लग गई है। साथ में क्या खाओगे रायता? लस्सी पियेंगे। लस्सी पियोगे? Yes. कौन सी? मीठी लस्सी। फिर तो सो जाओगे? लस्सी ना भी तो मजा ही नहीं है ना फिर। तो फिर आप सो जाओगे, काम कौन करेगा? कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब। यहाँ पे रेडी हो रहा है अब रायता। दही आ चुकी है, मम्मी बनाएगी लस्सी। मीठी लस्सी, पानी नहीं डालना। लस्सी आई। ये क्या है? रायता। अच्छा रायते के लिए बीट की है। चल लस्सी बनाएंगे, इसमें उल्टा हो गया। उसमें दही बीट हो गई, और ये हम यूज करेंगे लस्सी के लिए। चलो मैं लस्सी बनाती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने दही में डाल दी है रेड चिली और सॉल्ट। अभी डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, और इसमें क्या जाता है, कौन सा रायता बनता है देखते हैं।
भुजिया, ये भुजिया है, ये तो बूंदी है, ये बूंदी का रायता है। देखते हैं कैसे बनाती है मम्मी, फिर हम भी ट्राई करेंगे बैंगलोर जाके ऐसा रायता बनाने की। ये क्या है? जीरा पाउडर, जीरा फ्लेवर देने के लिए। ये रायता, ठीक रायता। अभी पानी डालेंगे इसमें, पानी डालना है कि नहीं? नहीं, चलो चम्मच दो टेस्ट करते हैं मम्मी के हाथ का रायता। ये एक बूंदी बाहर रह गई, इसको अंदर डाल दें। बस मायरा के पापा टेस्ट करते हैं। करारा एकदम, करारा है। बूंदी सॉफ्ट नहीं हुई? बूंदी सॉफ्ट हो गई है लगभग, बट बहुत अच्छा है रायता। क्या अच्छा है रायता? पंजाब में आके पंजाबी टोन रहता। रायता, अभी रायता जा रहा है फिर से बाउल में। अच्छा पानी जा रहा है अभी अंदर, मिलावट हो रही है। घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर है ना, ताकि सबको पूरा आ जाए, कम ना रह जाए, पानी डाल दिया हमने थोड़ा। ये काम मम्मी करती है। हाँ, अभी हम निकाल रहे हैं रोटी हमारी दादी जी के लिए। हमारी दादी जी आज थोड़ा फिजिकली वेल नहीं है, तो हम पहले उनको खाना देने जा रहे हैं। वो यहीं हमारे घर के पास में ही रहते हैं। इसमें क्या डाला नीचे? रोटी और उसमें सब्जी, आलू और ब्रिंजल की। ओके चलो, ये जाएगा माजी को। पहले माजी भोग लगाएंगी, फिर हम टूट पड़ेंगे। ये माजी के लिए, माजी के घर जाने का शॉर्टकट रास्ता भी है। हाँ, हम आपको दिखाते हैं। हाँ, तो माजी के घर जाने का रास्ता वो देखिए, सामने आंटी जी एक जा रही हैं, उनसे आगे थोड़ा सा जहाँ पे आपको येलो कलर की वैन दिख रही है, वहाँ से हमें राइट लेना है, फिर राइट एक और लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर एंड पे जाके दादी जी का घर है, माजी का घर है। तो हम जा रहे हैं शॉर्टकट, आपको दिखाते हैं कैसे। सबसे शॉर्टकट यही है। हाँ चलो, हम चल रहे हैं ऊपर। हम आ गए हैं टेरेस पे। ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं कल वाले, हम शाम को इसको नीचे लेके जाएंगे। और ये देखिए माँ जी की छत आ गई है। कच्ची छत जैसे गांव में होती थी पहले। और ये माँ जी का घर आ गया है। तो ये माँ जी का घर आ गया, कितना छोटा रास्ता है यहाँ से। एक मिनट लगा बस। तो ये उनका घर है। अभी माजी कहाँ है? हमारी माजी, ये माजी, जय श्री राम, जय श्री राम। खाना आया आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। ये हम फिर से आ गए हैं माजी की छत पे। ये पुराने जमाने का घर था जो बहुत पहले बना था, जब मैं स्मायरा जितनी थी। गाइस इसका नाम है बुग्गी। ये बुग्गी है, ये बुग्गी है, आप इसको बुग्गी ले सकते हो, बुग्गी भैया। ये बुक बुक करता सारा दिन। ये सारा दिन हमारे घर पे रहता है, बुक बुक करता है। इसका नेम परिया है, ये उड़ गई तो ये खो जाएगी, फिर हमें वापस नहीं मिलेगी, तो बहुत सारी परी है। तो आपने क्या इसके पर काट दिए? हाँ जी, सीजर निकाल दिए इसके पर। कहाँ रखे हुए हैं? इतना तो हो सकती, ज्यादा ऊंचा नहीं हो सकता। तो इसके पर निकाल के कहाँ रखे आपने? घर पे फेंक दिए। फेंक ही दिए, कभी उड़ ही ना पाए वो। आए आए बेजुबान पक्षी के पर काट दिए गए हैं यहाँ पे। बेचारी कुछ नहीं बोल रही है, देखो बेजुबान परी। एक्चुअल में ये
बड़ी बहन है, ये उसका छोटा भाई है, कैसे तो टीज़ देखो कर कैसे रहा है। उसको टीज़ कर रहा है। हाँ। ये बहुत खराब बच्चा ही है, जल्दी फेंक दे। ये थोड़ा थोड़ा बोल दिया, इसकी जुबान भी काटी हुई है। और तेरी तूने काट के मुझे लगता है अपनी टंग लगा ली है ना, वो ज्यादा बोलता है। थोड़ी पकड़ी गई दही खाते हुए की, मैं तो टेस्ट कर रही थी, खट्टी है मीठी है। कैसी लगी दही? यम्मी है, मेरा मन कर रहा है दही खाऊंगा मैं। तो खा लो आप, दही खा लो। नहीं फिर आप लस्सी पियो, तो मैं भी पियूंगी। यार ससुराल में आए लस्सी ना पी तो हो ही नहीं सकता। ये लस्सी पी के सो जाएंगे और सारा काम बीच में रह जाएगा। अभी हम बिजी है, बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग है। मैंने चीनी डाल दी है, अभी हम डालेंगे ठंडा बर्फ वाला पानी। लस्सी बनती हुई, लस्सी बहुत थिक है तो पानी डाल रहे हैं हम। पंजाब में आकर लस्सी ना पी तो फिर क्या पिया, ये अमृत है पंजाब वालों का। सही बात है। और ये है सब्जी हमारी आलू की। स्माइला आपने खाना खाया या नहीं? नहीं मामा। मुझे तो लगा खा लिया उसने। ये है हमारे करारे करारे आलू। और ये है यहाँ पे ब्रिंजल, भरवा ब्रिंजल बनाई है मम्मी ने। ये है हमारा देसी चपाती बॉक्स जो पहले चलता था, तो मम्मी आज भी वही यूज करती हैं। ये स्माइला का पराठा, मेरा पराठा खाती है। और ये हमारी रोटी, ऐसे हम चलते हैं अब अंदर। मेरा कर्ड की बहुत बड़ी शौकीन है, इसको चाहे नाइट को भी कर्ड दे दो खाने में तो भी खा लेती है। यहाँ पे इस मायरा के पापा ने खाना कर दिया है शुरू। सब्जी कैसी लग रही है आपको? बहुत टेस्टी। आपने ब्रिंजल ट्राई किया? करेंगे अभी। आप मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ये ब्रिंजल खा रहे हो ना मम्मी के हाथ के खाना, और बताना कैसे है। अच्छे बहुत जूसी है। जूसी है। और यहाँ पे है हमारे लस्सी के गिलास, एक स्माइला के पापा का और एक मेरा। हमने खाना खा लिया है, खाने के साथ लस्सी पी के जो मजा आया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन जोरों की आ रही है नींद, यहाँ पे स्माइला के पापा सोने के मूड में है पूरे। उठो उठो, बात करो, बोलो कुछ कुछ। ये नींद में है पूरा, इन्होंने लस्सी खुद तो पी, मुझे भी पिलाई, और अब काम रह जाएंगे अधूरे, वो करेंगे हम शाम को। उठ के थोड़ी देर के लिए सोते हैं, इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं यहाँ पे। आप जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।